वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो हम मैनेजमेंट को शुरू करते हुए मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, प्लानिंग लेवल इन मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग लेवल इन मैनेजमेंट। प्लानिंग प्लानिंग लेवल लेवल्स इन मैनेजमेंट मैनेजमेंट। तो यह आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग लेवल इन मैनेजमेंट। तो इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग जो होती है वो कौन कौन से लेवल पर की जाती है मैनेजमेंट के अंदर। तो कॉमनली या मोस्टली तीन टाइप्स की होती है। तो देखते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लानिंग लेवल। प्लानिंग लेवल कितने टाइप्स की होती है? तीन टाइप्स की होती है, यानी जो प्लानिंग होती है वो तीन लेवल पर की जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो किस लेवल पर की जाती है, डायरेक्शनल। ये थ्री टाइप्स की होती है यहाँ पर। तो पहले नंबर पर आता है डायरेक्शनल प्लानिंग। फिर दूसरे नंबर पर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है इसमें? तीसरे नंबर पर आता है ऑपरेशनल प्लानिंग। ये कितने टाइप्स की होती है? तीन टाइप्स की होती है, यानी तीन लेवल पर प्लानिंग को किया जाता है। कौन कौन से? डायरेक्शनल प्लानिंग, दूसरे नंबर पर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, और तीसरे नंबर पर आता है ऑपरेशनल प्लानिंग। तो ये तीन लेवल पर की जाती है। अब हम देखते हैं डायरेक्शनल प्लानिंग क्या होता है। डायरेक्शनल प्लानिंग का मतलब होता है ये एक पॉलिसी प्लानिंग होता है, और किसी भी प्रोग्राम को सेट करने के लिए, उसका जो फ्रेमवर्क है उसे सेट करने के लिए, कोई प्रोग्राम को, यानी किसी भी प्रोग्राम को रन करवाना, उसे करवाना किसी भी प्रोग्राम को, वो किसके अंदर आता है? डायरेक्शनल प्लानिंग के अंदर आता है। ये एक जनरल ब्रॉड लेवल पर प्लानिंग की जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल प्लानिंग बोलते हैं। और ये एक डायरेक्शन देने का भी काम करती है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल स्टेट लेवल प्लानिंग। फिर दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं सेंट्रल लेवल ऑफ प्लानिंग। यानी जो स्टेट लेवल पर जो प्लानिंग की जाती है, या सेंट्रल लेवल पर जो प्लानिंग की जाती है, जैसे सेक्रेटरी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल प्लानिंग। ये ब्रॉड लेवल पर प्लानिंग की जाती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल प्लानिंग। किसी भी प्रोग्राम को उसका फ्रेमवर्क बनाना, किसी भी प्रोग्राम का फ्रेमवर्क बनाना और उसे प्रोग्राम को रन करवाना, वो किस में आता है? डायरेक्शनल प्लानिंग के अंदर आता है। वो स्टेट लेवल पर हो सकता है या सेंट्रल लेवल पर हो सकता है। तो ये किस में आता है? डायरेक्शनल प्लानिंग, मतलब बड़े स्तर पर प्लानिंग की जाती है, जैसे स्टेट लेवल पर कोई प्रोग्राम रन करवाया जाता है, या फिर सेंट्रल लेवल पर कोई प्रोग्राम रन करवाया जाता है, जैसे मिड डे मील, कुछ इस तरह से जो प्रोग्राम होते हैं तो रन करवाए जाते हैं। तो उनकी जो प्लानिंग की जाती है वो डायरेक्शनल प्लानिंग, उसे हम बोलते हैं, इसके अंदर आता है। तो अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग का मतलब है जैसे जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी बनाई, डेवलप की गई पॉलिसी, उन्हें लागू करना या वर्किंग फेज में लाना, जैसे जो वर्कर हो गए, जो भी मटेरियल हो गया, उसे क्या करना? एक एडमिनिस्ट्रेटिंग तौर पे क्या करना? वर्किंग फेज में लाना, एक्टिविटी करना या करवाना, वर
किसी भी वर्कर से या मटेरियल दे करके कोई भी काम को करवाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग जैसे कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या कोई बड़ा हॉस्पिटल हो गया, उसके अंदर क्या है, मेडिकल ऑफिसर है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा कि कितने वर्कर होने चाहिए और मतलब को जो मटेरियल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर क्या किया जाएगा, उसमें काम किया जाएगा। जो मटेरियल है, जो वर्कर है, या किसी वर्कर का कहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए, वो कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग के अंदर। जैसे कोई भी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हो गया, या फिर मेडिकल ऑफिसर हो गया, या फिर जो मेडिकल सर्जन हो गया, मेडिकल के अंदर जो सर्जन होते हैं वो भी इसमें आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग वो भी कर सकते हैं। तो किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है जो भी पॉलिसी या वर्कर या मटेरियल उनका सही से उपयोग करना, सही से यूज करना, वो किसके अंदर प्लानिंग आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कोई भी मतलब मेजर मेजर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, तो उसमें कौन होगा, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर कौन करेगा, ये प्लानिंग करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग के अंदर आएगा कि एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक प्लानिंग की जाएगी जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग कहेंगे, और वो कौन करेगा, मेडिकल ऑफिसर। जैसे जिले की जो प्लानिंग है, पॉलिसी है, वो डेवलप करना, उन्हें लागू करना डीएम कराता है, ऐसे ही हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर होता है, बड़े हॉस्पिटल में। और यहाँ पर क्या होता है, स्टेट लेवल पर। फिर आता है ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर क्या किया जाता है, जैसे कोई भी सर्विस है उसका एक्चुअली में डिलीवर होना किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी मतलब टाउन सिटी या कम्युनिटी या कोई भी एरिया हो जिसमें लोग रहते हो, उन्हें डायरेक्ट सर्विस को प्रोवाइड करवाना, वो किसके अंदर आएगा, ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल होगा जो हेल्थ केयर मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, डायरेक्ट डायरेक्ट डिलीवर डिलीवर सर्विस सर्विसेज डायरेक्ट डिलीवर सर्विसेज टू कम्युनिटी, कम्युनिटी बाय बाय किसके द्वारा, कम्युनिटी कम्युनिटी नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर, या कम्युनिटी में जो नर्सेज काम करती है, कम्युनिटी नर्सिंग, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो नर्सेज उसमें काम करती है, वो क्या करवाती है, डायरेक्ट डिलीवर करवाती है सर्विसेज को, किसे, कम्युनिटी को, जो लोग हैं कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उन्हें डायरेक्ट क्या करवाना, सर्विस को प्रोवाइड करवाना, वो किसके अंदर आता है, ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ऑपरेशनल प्लानिंग यानी दो दो टाइप्स की होती है, जैसे कोई जैसे एक्टिविटी की जाती है तो वो प्लानिंग दो टाइप्स की हो सकती है, प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की, एक तो ऑपरेशनल को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम है उसका टैक्टिकल, टैक्टिकल यानी दूसरा इसका नाम होता है टैक्टिकल, TI टैक्टिकल प्लानिंग। तो इसके अंदर दो प्लानिंग आती है, कौन कौन सी, एक तो आती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या लॉन्ग रेंज प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग प्लानिंग यह आता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आती है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग आती है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट
शॉर्ट रेंज प्लानिंग, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज प्लानिंग। यानी दो टाइप्स की प्लानिंग होती है, एक तो होती है लॉन्ग रेंज प्लानिंग और दूसरी होती है शॉर्ट रेंज प्लानिंग। दो प्लानिंग होती है, एक तो जो हम बहुत कम समय के लिए करते हैं और एक बहुत टाइम यानी सालों या पीढ़ी पीढ़ी का दशक तक हम कोई भी प्लानिंग करते हैं लॉन्ग रेंज के लिए, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह से हम जो लंबे समय तक प्लानिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग बोल सकते हैं। और जो बहुत कम समय के लिए, कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए जो प्लानिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग या शॉर्ट रेंज प्लानिंग। तो इसमें क्या आता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम ध्यान रखेंगे किस किस चीज़ का, SWOT। SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ। S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस और O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज और T का मतलब होता है थ्रेट्स। ये हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे इन्हें, स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है जो मुश्किल या फिर जो भी मुश्किल पेश आती है उन्हें हम एनालाइज करेंगे, और किस एनवायरनमेंट में, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, हमने एनालाइज करेंगे ताकि हम जो है वो प्लानिंग को अच्छे से कर पाए। फिर ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है इसमें डेवलपिंग फिलोसफी। डेवलपिंग फिलोसफी एंड और क्या डेवलप करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, उसका हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है जो एलोकेटिंग रिसोर्सेज। एलोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। यानी प्रायोरिटी के बेस पे हम क्या करेंगे, जो भी रिसोर्सेज है उसका हम यूज करेंगे। फिर चौथे नंबर पर आता है जैसे हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे एक्टिविटीज करते हैं प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एक्टिविटी टू इंक्रीज इफिशियंसी। यानी इफिशियंसी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम जो एक्टिविटी है उसे एनालाइज करेंगे, उसे हम डिटेल देखेंगे उसकी, और उसे एनालाइज करके जो भी क्षमता है उसे बढ़ाएंगे। फिर पांचवे नंबर पर आता है, पांचवा पॉइंट है इसका, जो हम क्या करेंगे कि बचाएंगे किसे, डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज का जो भी सर्विसेज है उसका डबल होने से हमें बचाना है। इसमें सबसे पहला एक पॉइंट और लिख लेना,
सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख लेना कि दिस इज मेड मेड फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। सब यही का यही जो मैंने इसमें लिखा है 5-6 पॉइंट वो इसमें लिखने हैं, इसमें ऑपरेशनल या शॉर्ट रेंज प्लानिंग में। बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज करना है, एक तो इसमें करना है जो दिस इज मेक मेक फॉर शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज प्लानिंग या पीरियड। ये किसके लिए बनाया जाता है? ये तो बहुत लंबे समय के लिए, 1 साल 2 साल 10 साल, और ये कुछ महीनों के लिए। मेक फॉर फ्यूमर, मेक फॉर फ्यू मंथ, फ्यू मंथ। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसे हम बोलते हैं, यानी वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है, ये किसके लिए बनाया जाता है? लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है या लॉन्ग पीरियड के लिए बनाया जाता है, 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए। जैसे कोई भी रूल या रेगुलेशन जो है या कोई प्लानिंग की जाती है फर्स्ट ईयर के लिए की जाती है, और वो बहुत सालों तक चलती रहती है। फर्स्ट ईयर में कोई बैच आया, फिर वो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। ऐसी जो ईयर वाइज जो प्लानिंग की जाती है, एक बार प्लानिंग की हमने की और उसके बाद उसी प्लानिंग को हम रिपीट करते रहते हैं, यानी वो बहुत सालों तक वही प्लानिंग चलती रहती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं या लॉन्ग रेंज प्लानिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्लानिंग है वो किसके बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे, वो हम स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेस देखेंगे, अपॉर्चुनिटी देखेंगे और थ्रेट्स देखेंगे। इनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, प्लानिंग को तैयार करेंगे। वो किसके किस इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि उसमें उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस, उसकी कमजोरी क्या है, उसके मतलब अवसर क्या क्या है उसमें, और उसमें थ्रेट्स का मतलब है एक तरह से जो खतरा, क्या क्या खतरा हो सकता है उसमें। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे डेवलपिंग फिलोसफी, जो फिलोसफी है उसे डेवलप करेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है और गोल है उसे हम बनाएंगे। फिर तीसरा है एलोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, यानी जो भी रिसोर्सेज है, जो भी मटेरियल है उसे बांटना प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, के जो भी प्रायोरिटी जिसे देनी है उसके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल है उसे या रिसोर्सेज है उसे बांटना। फिर चौथा पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग डिटेल एक्टिविटी टू इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी एक तरह से हम इस तरह की जो एक्टिविटी करेंगे ताकि हम क्षमता बढ़ा सके, एफिशिएंसी बढ़ा सके। फिर पांचवा पॉइंट है प्रोवाइड या प्रिवेंट, टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, इसमें हम बचाएंगे सर्विसेज जो है ताकि दोबारा कोई भी सर्विसेज का उपयोग ना हो जाए या फिर कोई भी काम दोबारा ना किया जा सके, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, यानी उसे देखेंगे हम कि कोई भी सर्विसेज का दोबारा यूज ना हो या दोबारा उसे बनाई ना जाए। तो हम ये करेंगे टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, यानी जो भी चीज़ें दोबारा हो रही है, दोबारा होने से बचाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। ऐसा ही हम देखते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग में। इसमें शॉर्ट रेंज प्लानिंग होती है, ये कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए की जाती है। जैसे कोई भी इवेंट होता है, जैसे एनुअल फंक्शन होता है, फ्रेशर पार्टी होती है, एक छोटा सा इवेंट है, एक दिन का इवेंट है, तो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए प्लानिंग की जाती है इसमें। तो इसमें क्या है, दिस इज़ फॉर शॉर्ट रेंज पीरियड, यानी शॉर्ट टाइम के लिए ये प्लानिंग की जाती है, जैसे कुछ मंथ हो गया, डेज हो गया या वीक्स हो गया, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। और क्या किया जाता है, इसी के अंदर ये पॉइंट आएगा, इसी के अंदर ये पॉइंट आएगा कि हम किसके बेसिस पे बनाएंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखेंगे। फिर डेवलपिंग फिलोसफी एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो भी इसमें करेंगे हम। फिर एलोकेशन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी,
वो भी इसके अंदर करेंगे। प्रोवाइडिंग डिटेल एक्टिविटी टू इंक्रीज इफिशेंसी यानी जो क्षमता है उसे बढ़ाना वो भी हम इसमें करेंगे, और डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज से बचाने के लिए भी वो भी हम इसमें प्लानिंग करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ, जो वीडियो है बहुत लंबी हो गई है। तो देखिए एक बार, ये प्लानिंग लेवल तीन टाइप्स का होता है। एक तो होता है डायरेक्शनल प्लानिंग, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, तीसरा होता है ऑपरेशनल प्लानिंग। डायरेक्शनल प्लानिंग जो है ब्रॉड लेवल पर की जाती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्लानिंग होता है वो थोड़े छोटे लेवल पर की जाती है। ये जो डायरेक्शनल प्लानिंग होती है ये एक तरह से टॉप लेवल के मैनेजमेंट, मैंने आपको पढ़ाया था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो जो भी ऊपर के थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं यानी जो टॉप लेवल पर बैठे हुए होते हैं वही क्या करते हैं, स्टेट लेवल प्लानिंग करते हैं और सेंट्रल लेवल प्लानिंग करते हैं। तो किस में आता है, डायरेक्शनल प्लानिंग में आता है। ये बड़े लेवल पर जो प्लानिंग की जाती है उसे कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग जो उससे छोटे लेवल पर आती है या मिडिल लेवल के जो भी वर्कर होते हैं उसे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इसे बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। ये छोटे से पैमाने पर की जाती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, वो प्लानिंग करता है। ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर क्या होता है, जो सर्विसेज होता है, जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट डिलीवर की जाती है किसी भी कम्युनिटी के अंदर। जैसे कोई नर्स है वो किसी कम्युनिटी के अंदर गई और वहाँ पर कम्युनिटी को असिस्ट करना या डायरेक्ट जो भी डिलीवर करना सर्विसेज को, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए आयरन एंड फोलिक एसिड की जो टैबलेट चलाई जाती है उस तरह से की टैबलेट वो प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं कौन, हेल्थ केयर वर्कर। तो वो किस में आता है, ऑपरेशनल प्लानिंग में। यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिविटी की जाती है, प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज। ये ऑपरेशनल प्लानिंग दो टाइप्स की होती है। तो सबसे पहला आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये बहुत लंबे समय के लिए की जाती है, और एक होता है ऑपरेशनल प्लानिंग या शॉर्ट रेंज प्लानिंग, ये बहुत छोटे टाइम के लिए की जाती है। इसके अंदर जो प्लानिंग की जाती है वो हम किस किस चीज़ को रख के कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, उसे देखते हैं, एनालाइज करते हैं। इसके अंदर भी शॉर्ट रेंज वाले में भी और लॉन्ग रेंज वाले में भी, दोनों के अंदर। फिर क्या करते हैं, हम फिलोसफी को और डेवलप करते हैं, और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी हमारा गोल होता है उसे हम बनाते हैं, दोनों के अंदर बनाते हैं, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो दोनों के अंदर सेम हमें क्या करना होता है, उन्हें बांटना होता है, ताकि क्या कर सके हम, जो प्रायोरिटी बेस होती है ना, एक तरह से जहाँ पर जिसकी जिस भी मटेरियल की प्रायोरिटी है उसे यूज करना होता है, तो हम मटेरियल को यूज करेंगे प्रायोरिटी बेस पर दोनों के अंदर। फिर तीसरे, पांचवा, चौथा पॉइंट होता है, इसमें जो क्षमता है उसे बढ़ाएंगे, जो भी प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ाएंगे हम, और पांचवा पॉइंट होता है जो भी सर्विसेज है डुप्लीकेशन से हम बचाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी इसमें कोई भी डाउट बचता है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।